हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन प्रिपरेशन विद्यार्थी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये आपको पता है कि इस समय यूपी टेट और सीटेट के एग्जाम्स होने वाले हैं, आलटेट के एग्जाम्स भी होने वाले हैं। इस समय हम आपकी प्रिपरेशन करवा रहे हैं और जो चल रहा है सब्जेक्ट वो है पर्यावरण ईवीएस का। तो चलिए फिर देख लेते हैं, आज लेसन टू देख लेते हैं। फर्स्ट में हमने परिवार आवास देखा था, लेसन टू जो है इसमें भोजन स्वास्थ्य स्वच्छता संबंधित प्रश्न हम ले रहे हैं। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन थ्री लेंगे, 25 क्वेश्चन है, क्वेश्चन वही ला रहे हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं और अभी तक एग्जामों में पूछे गए हैं। तो चलिए फिर देखते हैं वीडियो, लेकिन उसके पहले क्या करना है आपको पता है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए एंड साथ ही साथ में कमेंट्स भी करिए कि वीडियो कैसा लगा। चलिए फिर देखते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, चलिए अब इसको क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला हमारा जो इसमें क्वेश्चन है कि संतुलित भोजन में किस किस आवश्यकता संतुलित मात्रा में होती है, यानी आप संतुलित भोजन करते हैं तो उसमें संतुलित मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन एवं खनिज लवण या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि सभी चीज़ों की हमें जरूरत पड़ती है, कार्बोहाइड्रेट, वसा की भी, प्रोटीन की भी, विटामिन एवं खनिज लवण की, लेकिन सभी की आवश्यकता हमें संतुलित मात्रा में बैलेंस बना के, यानी बैलेंस डाइट जिसे हम कहते हैं, वो चलना पड़ता है। तो स्वस्थ रहने के लिए हमें संतुलित भोजन करना चाहिए जिसमें ऊर्जा देने वाले पदार्थ कार्बोहाइड्रेट और वसा, शरीर की वृद्धि करने वाले पदार्थ यानी प्रोटीन, ठीक है, तथा रोगों से सुरक्षा प्रदान करने वाले पदार्थ विटामिन और खनिज लवण संतुलित मात्रा में हो। देखिए यहाँ पे ये भी आपको देखिए क्लू मिल गया कि ऊर्जा देने वाले पदार्थ, ऊर्जा हमें किन से मिलती है, क्वेश्चन बन सकता है, तो कार्बोहाइड्रेट और वसा से मिलती है। दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है कि शरीर की वृद्धि करने वाले पदार्थ कौन कौन से होते हैं, शरीर की वृद्धि किन चीज़ों से होती है, ये चार ऑप्शन रहेंगे तो हम लिख देंगे, तुरंत टिक कर देंगे प्रोटीन से। और रोगों से सुरक्षा किन चीज़ों से मिलती है, रोगों की सुरक्षा कौन प्रदान करता है, कौन सा पदार्थ, तो विटामिन और खनिज लवण करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, निम्नलिखित में कौन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भोज पदार्थ है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भोज पदार्थ है। देखिए यहाँ पे चिप्स, नूडल्स, रेशेदार भोजन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो रेशेदार भोजन होता है वो सबसे ज्यादा लाभदायक पदार्थ होता है, किसके लिए, स्वास्थ्य के लिए, ठीक है ना, क्योंकि बाजार में तैयार डिब्बा बंद खाना, चिप्स, शीतल पेय, नूडल्स जैसे मैगी, चाउमीन आदि का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए, इसका अधिक सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। रेशेदार भोजन जैसे गेहूं के आटे की रोटी हो गई, दलिया हो गया, मक्का हो गया, अंकुरित अनाज हो गया, फलों और सब्जियों आदि का अधिक सेवन करना चाहिए। निम्नलिखित में से संपूर्ण आहार क्या है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका दूध। दूध जो है वो संपूर्ण आहार के अंतर्गत माना जाता है, क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए व्यक्ति को प्रतिदिन दूध अवश्य पीना चाहिए। दूध एक संपूर्ण आहार है, इसमें लगभग सभी पोषक तत्व अवेलेबल होते हैं, मिलते हैं, ओके। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं, ठीक है, कि इसमें अगला क्वेश्चन है कि पेचिस नामक रोग किस जीवाणु से फैलता है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से जो है पेचिस नामक रोग फैलता है, ठीक है, ये मनुष्य की आंत में परजीवी होता है तथा पेचिस नामक रोग उत्पन्न कर, जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है वो मनुष्य की आंत में परजीवी होता है और इसी की वजह से पेचिस रोग होता है। नींबू के पौधे पर पाए जाने वाले अजेंथोमोनास साइट्री नामक जीवाणु में कौन सा रोग उत्पन्न हो सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैंकर का जो रोग होता है वो उत्पन्न हो सकता है, किसमें, नींबू के पौधे पर पाए जाने वाले। सूक्ष्म जीवों को समानतः कितने समूहों में बांटा जा सकता है, तो देखिए सूक्ष्म जीवों को समानतः जो है 5 समूहों में बांटा जा सकता है। वो 5 समूह कौन कौन से हैं, कभी कभी ये भी पूछता है, देखिए जीवाणु हो गए, विषाणु हो गए, प्रोटोजोबा हो गए, कवक हो गए, शैवाल हो गए, 5 समूह हैं जिनमें सूक्ष्म जीवों को बांटा जाता है, ठीक है, सभी सूक्ष्म जीव इनके अंतर्गत आते हैं। निम्न कथनों में से सही विकल्प को चुनना है, ओके, सही विकल्प कौन से हैं, कि जीवाणु एक कोशिकीय जीव होते हैं, या नमी युक्त स्थानों पर जीवाणुओं की संख्या अधिक होती है, जीवाणुओं की कोशिका में केंद्र नहीं पाया जाता, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी जो है यहाँ पे सत्य हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जीवाणु एक कोशिकीय जीव होते हैं, ये भी सही है, जो हवा, मिट्टी, जल सभी स्थानों पर पाए जाते हैं और नमी युक्त स्थानों पर इनकी संख्या अधिक होती है, ये गोलाकार, डंडाकार या सर्पाकृत आकार वाले होते हैं और जीवाणुओं की कोशिका अपने चारों ओर एक कठोर आवरण बनाती है जिसे कैप्सूल कहते हैं, और कुछ जीवाणुओं में एक या अनेक धागे जैसी संरचना पाई जाती है जिसे कशाविका कहते हैं, और कशाविका के द्वारा जीवाणु गति करता है और अनुकूल परिस्थितियों में जीवाणुओं में बहुत तेजी से प्रजनन क्रिया होती है,
इससे दो क्वेश्चन बन गए आपके। एक क्वेश्चन तो ये बनता है, ठीक है ना, कि जीवाणुओं की जो कोशिका होती है अपने चारों ओर कैसा आवरण बनाती है, तो एक कठोर आवरण बनाती है। कैसा आवरण बनाती है, सर्पीला, आकृतकार, कठोर या नरम, तो कठोर आवरण बनाती है, जिसे क्या कहते हैं, उसे कैप्सूल कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन इससे भी क्रिएट हो गया कि जीवाणुओं की कोशिका अपने चारों ओर एक कठोर आवरण बनाती है, उसे क्या कहते हैं, उसे कैप्सूल कहते हैं। और दूसरा यह क्वेश्चन बनता है कि जीवाणुओं में एक या अनेक धागे जैसी संरचना पाई जाती है। अब एक दूसरा क्या हो गया, धागे जैसी संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, तो कशाविका कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया यानी नील रहित सैलाब को पहले सैलाब के समूह में रखा जाता था, परंतु अब इन्हें जीवाणुओं के साथ किस समूह में रखा जाता है, तो मोनेरा समूह में। किस समूह में रखा जाता है, मोनेरा समूह में इनको रखा जाता है, साइनोबैक्टीरिया यानी नील रहित सैलाब को, ठीक है ना। तो साइनोबैक्टीरिया नील रहित सैलाब को पहले सैलाब के समूह में रखा जाता था, परंतु अब इन्हें जीवाणुओं के साथ मोनेरा समूह में रखा जाता है, क्योंकि इनका रंग जो होता है नीला हरा होता है, और ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, दूसरे शब्दों में स्वपोषी होते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया नील हरित सैलाब कैसे होते हैं, किस तरह के जंतु के अंतर्गत आते हैं, तो ये स्वपोषी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। चलिए, विषाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका है। देखिए, विषाणु की खोज जो दिमित्री एवोनोवास्की ने की थी, जी विषाणु की खोज दिमित्री एवोनोवास्की नामक रूसी वैज्ञानिक ने वर्ष 1982 में की थी, ठीक है ना। और विषाणु जो होते हैं सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं। किशोरावस्था में स्वास्थ्य पोषण से संबंधित योजना है, तो किसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, समेकित बाल विकास कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान, ये सभी जो है किशोरावस्था में स्वास्थ्य पोषण संबंधित योजना है, ठीक है ना। जैसे ICD जिसे समेकित बाल विकास कार्यक्रम कहा जाता है, और वृद्धि निगरानी, अनुपूरक पोषक आहार, और स्वास्थ्य जांच एवं पोषण स्वास्थ्य परामर्श, किशोरी गर्भवती माँ की देखभाल की जाती है, किसमें, समेकित बाल विकास कार्यक्रम में। और स्वास्थ्य विभाग में टीकाकरण, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य परीक्षण, और RBS के ग्राम स्वास्थ्य पोषण में किशोरियों को आरण या कृमिनाशक दवा दी जाती है। ये चीज आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है। आप कहेंगे ऐसा क्यों, तो कभी कभी नहीं, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि IDS यानी समेकित बाल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत क्या होता है, क्या आता है, तो वृद्धि निगरानी, अनुपूरक पोषक आहार, ठीक है ना, स्वास्थ्य जांच, पोषण, जितनी भी चीज़ें अलग अलग यहाँ पे दी गई हैं वो सभी एक चीज़ें इसमें आ जाती है। फिर स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत टीकाकरण होता है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में स्वास्थ्य परीक्षण, और RBS के ग्राम स्वास्थ्य में किशोरों को आयरन और कृमिनाशक यानी कीड़े मारने वाली दवा दी जाती है, और यहाँ पे भी दिया हुआ है, आप देख लीजिए, ठीक है ना। सर्व शिक्षा अभियान में क्या किया जाता है, मध्याह्न भोजन पाठ्यक्रम में पोषण स्वास्थ्य की विषय वस्तु। विश्व तंबाकू निरोध दिवस मनाया जाता है, तो देखिए 31 मई को विश्व तंबाकू निरोध दिवस मनाया जाता है। और मिशन इंद्रधनुष संबंधित है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है, तो देखिए मिशन इंद्रधनुष इन सभी से संबंधित है, मतलब वर्ष 2020 तक भारत के सभी बच्चों को टीकाकरण कराना। मुख्य रूप से 7 बीमारियों के टीके बच्चों को लगाए जाते हैं, और 7 बीमारी, इससे भी थोड़ा याद रखिएगा, मिशन इंद्रधनुष, इंद्रधनुष क्यों नाम रखा गया है, क्योंकि 7 रंग होते हैं, बच्चों के जो 7 बीमारियां होती हैं उनके 7 टीके लगाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम मिशन इंद्रधनुष रखा गया है। और इससे संबंधित 7 बीमारियां कौन सी हैं, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा और हेपेटाइटिस बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका है, तो प्लीज इसे आप याद रखिएगा, ओके। चलिए, दिव्यांगता से संबंधित सत्य विकल्प का चुनाव करना है आपको, दिव्यांगता से संबंधित, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि जो लोकोमोटर दिव्यांगता हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की क्षमता को कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। मानसिक दिव्यांगता में सूझबूझ, तर्क एवं ग्रहण क्षमता का अभाव पाया जाता है, ये भी सही है। और डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित विकार है, ये भी सही है। तो ये सभी चीज़ें किसमें आती हैं, दिव्यांगता के अंतर्गत आती हैं, तो इसलिए सभी राइट आंसर सभी हो जाएंगे इसके, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। तो डिसलेक्सिया यहाँ पे भी दिया हुआ है, बच्चों को शब्द पहचानने, पढ़ने, याद करने और बोलने में परेशानी महसूस होती है, डिसलेक्सिया कहलाती है। डिसग्राफिया क्या कहलाती है, देखिए तो डिसग्राफिया जो होता है लेखन विकार, जब लिखने में, जब बोलने, पढ़ने, पहचानने में प्रॉब्लम हो, तो डिसलेक्सिया।
और जब लेखन विकार में लिखने में ग्राफ करना यानी लिखना, ग्राफ बनाना, पेन का यूज करना, तो डिसग्राफिया लेखन विकार से है, आप ऐसा भी याद रख सकते हैं, ठीक है ना। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, देखिए मनुष्य में चार प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कौन कौन से दांत पाए जाते हैं? कृंतक यानी काटने का कार्य, और रदनक यानी कि फाड़ने का कार्य, अग्रचवर्णक यानी पीसने और चबाने का कार्य, और चवर्णक यानी पीसने और चबाने का। देखिए इसमें आप देखिए आपके पास दांत हैं, जनरली हम लोग खाना जब खाते हैं तो बिल्कुल सामने से नहीं खा सकते, खाने को ऑलवेज जो होता है साइड में ले जाना पड़ता है, तो उन दांतों के वर्क अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दांत जो हैं वो चार प्रकार के हैं। मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है, तो देखिए यहाँ पे टाइलिन जो होता है मनुष्य के लार में पाया जाता है, इसे टाइलिन एंजाइम है जो मनुष्य के लार में पाया जाता है, और ये कार्बोहाइड्रेट के जटिल कणों को मीठे ग्लूकोज में बदल देता है, और लार के साथ चिकना होकर भोजन आहार नली के ग्रसनी में और फिर ग्रस नली में पहुँचता है, यहाँ पर भोजन का पाचन नहीं होता है। ग्रास नली के पश्चात भोजन कहाँ पहुँचता है, देखिए अगला क्वेश्चन आ गया कि ग्रास नली के पश्चात भोजन कहाँ पहुँचता है, तो अमाशय में पहुँचता है, ठीक है ना। ग्रास नली के बाद भोजन कहाँ पहुँचता है, तो अमाशय में पहुँचता है। देखिए यहाँ पर भी विस्तार से समझाया गया है कि ग्रास नली से भोजन अमाशय में आता है, यहाँ पर भोजन काफ़ी देर तक रहता है, अमाशय की दीवारों से जठर रस का श्रवण होता है और श्रावण, और इसमें पाचक एंजाइम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं श्लेष में पाया जाता है, और पाचक एंजाइम पेप्सिन द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। कभी कभी पूछा जाता है कि प्रोटीन का पाचन किसके द्वारा होता है, तो पेप्सिन के द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है, ठीक है। और रेनिन दूध को दही में बदलता है, तो दूध को दही में कौन बदलता है, तो रेनिन बदलता है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है और भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करता है, तो कौन नष्ट करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सभी आपके हैं कि क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। निम्नलिखित कथनों के अनुसार सही विकल्प चुनना है यहाँ पे, तो इसका देखिए राइट आंसर तो यहाँ पे डी दे दिया, उपयुक्त सभी, तो इसमें देख लेते हैं क्या है। मनुष्य में भोजन का पाचन आहार नाल में होता है, बिल्कुल सही है, भोजन का पाचन जो है वो आहार नाल में होता है। आहार नाल के विभिन्न भागों में अलग अलग पाचन रसों का श्रावण होता है जो भोजन को पचाने में सहायक करते, बिल्कुल सही, अभी जस्ट हम ऊपर पढ़ के भी आ रहे हैं। और पाचन प्रक्रिया छोटी आंत के प्रथम भाग में पूर्ण हो जाती है, और जबकि इसके अंतिम भाग में भोजन का अवशोषण होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए सभी चीज़ें दी हुई भी हैं। निम्न कथनों में भी फिर सही विकल्प चुनना है, तो इसमें भी देखिए राइट आंसर जो है डी दिया हुआ है, यानी वातावरण की ऑक्सीजन युक्त वायु को नाक से फेफड़ों तक पहुँचाने की क्रिया को अंतः श्वसन कहते हैं। कभी कभी पूछता है कि अंतः श्वसन क्या है, तो वातावरण की ऑक्सीजन युक्त वायु को नाक से फेफड़ों तक पहुँचाने की क्रिया को अंतः श्वसन कहते हैं, या फेफड़ों की कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को नाक से शरीर के बाहर निकालने की क्रिया को उच्छ्वसन निःश्वसन कहते हैं। अंतःश्वसन एवं उच्छ्वसन की क्रिया संयुक्त रूप से श्वासोच्छ्वास कहलाती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जलीय जंतु में श्वसन क्रिया किसके माध्यम से होती है, तो देखिए जलीय जंतु में श्वसन क्रिया जो होती है वो गिल्स के माध्यम से होती है, ठीक है ना। जैसे मछली सांस किसके माध्यम से लेती है, गलफड़े या गिल्स के माध्यम से लेती है। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं, देखिए मनुष्य के हृदय में जो है चार कक्ष पाए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे हृदय होता है तो वक्ष गुहा में बाई ओर स्थित होता है, और हृदय में चार कक्ष पाए जाते हैं, दो कक्ष ऊपरी भाग में जिन्हें अलिंद और दो कक्ष निचले भाग में जिन्हें निलय कहते हैं, ठीक है। निम्न कथनों में सही विकल्प चुनना है, तो इसमें भी देखिए राइट आंसर जो है डी दिया हुआ है, यानी कि हृदय के दाएं भाग में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता है, हृदय के बाएं भाग में ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है, ठीक है ना। और दोनों अलिंद व दोनों निलय लयबद्ध तरीके से सिकुड़ते और फैलते हैं, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। ऊपर कई क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे समझाया भी गया है, तो आप इसको देख सकते हैं। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो देखिए 72 बार धड़कता है, ठीक है ना। अब रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, देखिए रक्त का जो लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है। इसका डिटेल देखिए आप दिया है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है। जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, ठीक है ना, RBC जो होता है उसका औसत जीवन काल 120 दिन का होता है, ठीक है ना।
ये वेरी इंपॉर्टेंट है। भ्रूण में ये जो कणिकाएं होती हैं यकृत और प्लीहा में बनती हैं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बीच से पूछे जाते हैं। और इसी तरह से श्वेत रुधिर कणिकाएं जो होती हैं उनका जीवन काल कितने का होता है, तो उनका जीवन काल जो होता है 1 से 4 दिन होता है। देखिए अभी हमने जस्ट देखा कि जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, ठीक है ना, लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं उनका जीवन जो होता है 120 दिन का होता है। कितना? 120 डेज का होता है। लेकिन यहीं पे श्वेत रुधिर कणिकाएं जो होती हैं इनका जीवन काल जो होता है 1 से 4 दिन का ही होता है, ठीक है ना। क्यों होता है? क्योंकि श्वेत रुधिर कणिकाएं लाल रुधिर कणिकाओं की अपेक्षा बड़ी तथा केंद्रक युक्त होती हैं और ये कणिकाएं अमीबा के समान अनियमित आकार की होती हैं और इनमें कोई वर्णक नहीं होता, इसलिए रंगहीन होती हैं और ये प्लीहा में बनती हैं। इनका जीवन काल समानता 1 से 4 दिन होता है, ठीक है। 1 घन मिलीमीटर रक्त में रुधिर प्लेटेस और थ्रोम्बोसाइट्स की संख्या कितनी होती है? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 से 5 लाख प्लेट्स होते हैं हमारे बॉडी में 1 मिलीमीटर रक्त में, ठीक है ना। 1 मिलीमीटर रक्त में थ्रोम्बोसाइट की संख्या कितनी होती है? तो 2 से 5 लाख होते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का इम्पॉर्टेंट आपके क्वेश्चन जो हमने आपके इन्वायरमेंट से लिए हैं, EVS से लिए हैं, और जिसमें हमने सिर्फ लिए हैं आपके 25 क्वेश्चंस। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।